जानकारी है जहां कांग्रेस प्रत्याशी और काउंटिंग एजेंटों की ट्रेनिंग है। आज काउंटिंग में किन बातों को रखे ध्यान, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में दो सत्र में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। पहले सत्र में रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग की ट्रेनिंग होगी और दूसरे फेज में इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, सागर संभाग की ट्रेनिंग देखी जाएगी। तो आज कांग्रेस सभी कार्यकर्ताओं को और साथ ही एजेंटों को ट्रेनिंग देने वाली है। तो प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में दो सत्र में इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। बता दें कि पहले फेज में रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग में ट्रेनिंग दी जाएगी। वहां के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे पहले फेज में। अगर दूसरे फेज की बात करें, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, सागर संभाग के कांग्रेस प्रत्याशी और साथ ही काउंटिंग एजेंट ट्रेनिंग लेते नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां काउंटिंग में किन बातों का ध्यान रखा जाए, इसी चीज को लेकर कांग्रेस सभी प्रत्याशी और साथ ही काउंटिंग एजेंट्स को आज ट्रेनिंग देने वाली है, क्योंकि 3 दिसंबर को काउंटिंग है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बड़ी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया और ये ट्रेनिंग दो सत्र में होने वाली है। पहला सत्र और साथ ही दूसरे सत्र में बड़ी संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी शिरकत करेंगे और ट्रेनिंग लेते नजर आने वाले हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, आज कांग्रेस प्रत्याशी और साथ ही काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, कब से ट्रेनिंग शुरू होगी, इस ट्रेनिंग में कौन कौन शिरकत करने वाला है और किस तरह की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है? देखिए अलिंसा, बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से तैयारियां की जा रही है। वो वोटिंग की गिनती के दरमियान जो भी परेशानियां आएंगी उनसे किस तरीके से निपटा जा रही, इसी को लेकर ट्रेनिंग कैंप की तरह लगाया जाएगा। आज सुबह 10 से 11 बजे के आसपास ये ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत होगी, जिसके अंदर कांग्रेस के जितने भी विधि विशेषज्ञ पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, जो प्रत्याशियों को ये बताएंगे और इसके साथ साथ उनके मतगणना एजेंटों को बताए जाएंगे कि किस तरीके से निपटा जाए अगर वहां पर किसी तरीके की परेशानी आती है तो। और ये पहली बार नहीं है, इस तरीके का जब पीसीसी चीफ कमलनाथ बने थे 2018 में, उस वक्त भी ट्रेनिंग कैंप पर लगाया गया था, प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था और कांग्रेस को इसका काफी फायदा हुआ था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब एक बार फिर इस तरीके का ये फैसला लिया गया है। और इस बार अभी की बात की जाए जो हमारे पास जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि एक सुबह होगी अलीशा और एक जो सत्र लगेगा वो दोपहर के बाद लगेगा, यानी करीब बताया जा रहा 3 से 4 बजे के आसपास लगेगा। और इसके अंदर दिग्गजों की बात की जाए तो दिग्गजों में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कई विधायकों से हमारी बातचीत हुई है, तो उनका कहना था कि हम इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल नहीं होंगे, हमारे जो एजेंट है, मतगणना एजेंट है, वो शामिल होने पहुंचेंगे क्योंकि वही मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे। इसलिए बिल्कुल 11